नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर हम अपने डिप्रेशन लेवल को कैसे दूर कर सकते हैं। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, इसको करने के बाद आपको अपने शरीर में पूरे शक्ति का महसूस होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सबसे पहले हम कुछ फेशियल एक्सरसाइज करेंगे और मुंह को आपको ऐसे करना है। इसको आप 15-20 बार इसको आप दोहराइए, फिर थोड़ा कान को भी ऐसे हिलाने की कोशिश कीजिए। हिलने से अच्छी बात है, नहीं हिलने से भी कोई बात नहीं, थोड़ा इसको कोशिश कीजिएगा। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट ईयर को ऐसे पकड़िए, राइट से लेफ्ट को पकड़िए, फिर इसको 3 बार नीचे की तरफ 1, 2, 3 3 बार कीजिए। फिर कान को ऐसे साइड में 1, 2, 3 फिर ऊपर की तरफ 1, 2, 3 फिर पूरे कान को ऐसे पकड़ के इसको घुमा दीजिए 1, 2, 3 फिर उल्टा से 1, 2, 3 फिर हाथ ऐसे करके कान को पीछे की तरफ इसको 1, 2, 3 फिर यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर कर दीजिए 1, 2, 3 हाथ को ऐसे करके 1, 2, 3 माथे पे 1, 2, 3 अब इतना करने के बाद आपको सीधा बैठना है। कई भी सह स्थिति में आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं। अब आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, इसको बोलता है X4X2X ब्रीदिंग टेक्निक। यानी कि आपको X काउंट तक आपको श्वास लेना है, इसको 4X काउंट तक आपको होल्ड करके रखना है और 2X काउंट तक आपको छोड़ना है। अब मान लीजिए जैसे X यानी कि काउंट यानी कि 5, तो आपको 5 गिनती तक आपको श्वास लेना है, फिर 4X यानी कि 20 तक इसको होल्ड करके रखना है, फिर 2X यानी कि 10 काउंट तक इसको छोड़ना है। अब जैसे श्वास लेंगे, इसके साथ आपको बॉडी का जो फिजियोलॉजी है उसको ऐसे रखना है कि जैसे आप बहुत खुशी में हैं। अब यह है कि जैसे आप बहुत खुशी में हैं तो आप इसको कैसे बोलेंगे? अब तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे, मैं बहुत खुश हूँ। आप कैसे बोलेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। तो उसी को आप जैसे श्वास लेंगे, बॉडी के फिजियोलॉजी को उस लेवल पे रखना है। अब हम करके देखते हैं। जैसे अभी 5 सेकेंड में श्वास लेंगे, 20 टॉक इसको पकड़ के रखेंगे, फिर 10 काउंट टॉक मुंह से छोड़ेंगे। इसको ऐसे आपको 10-15 टाइम्स आपको रिपीट करना है, और जिसमें जो आपका ये श्वास लेने का समय है वो आपके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपने लेवल पे मैं 7 काउंट तक इसको श्वास लेता हूँ, 28 काउंट तक होल्ड करके रखता हूँ, फिर 14 काउंट तक श्वास को छोड़ता हूँ। अब जैसे छोड़ते हैं श्वास को, उस समय आपको फील करना है कि शरीर का जितना भी निगेटिव ऊर्जा है पूरा बाहर निकल रहा है। फिर से एक बार करेंगे, श्वास लेंगे, अब हाथ को ऐसे खुला रखिए, महसूस करते रहिए कि जैसे उंगलियों पे भी आपका जो कॉस्मिक एनर्जी है आपके पूरे बॉडी में इसको आपको बॉडी में फैल रहा है। इस एक्सरसाइज से आपके शरीर में एक तो पूरा ऑक्सीजन का प्रवेश हो रहा है, दूसरा क्या होता है, इससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम वो पूरा क्लीन हो जाता है।
तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इफेक्टिव एक क्रिया है। अब इसको करने के बाद आप तुरंत सांस सिस्टम में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए और नेक को थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे रख दीजिए। अब जैसे हम नेक को ऊपर की तरफ ऐसे रखते हैं तो हम इससे क्या होता है, जैसे आपका मन बहुत दुख की स्थिति में है या मन में रोना आ रहा है तो आप जैसे ऊपर की तरफ ऐसे देखेंगे तुरंत आपका मन का रोना बंद हो जाता है, मन में अच्छा फीलिंग्स आने लगता है। अब आप सिर्फ ऐसे स्थिति में बैठ के सीधा गर्दन को पीछे थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए और आपके पास का किसी भी हैप्पी मेमोरी को आप इसको मन में लाइए। हमारे सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा बहुत कुछ मेमोरी पड़ा रहता है जो बहुत हैप्पी था, उस मेमोरी को आप याद कीजिए। और जैसे आपको हैप्पीएस्ट मेमोरी आपको याद में आ रहा है तो आप देखिए कि उस समय आप किस तरह का कपड़ा पहन रहा था, आपके साथ में कौन कौन था और किस तरह का साउंड आपको सुनाई दे रहा था। अब धीरे धीरे उस मेमोरी को ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा दीजिए, जितना मेमोरी ब्राइट होगा उतना आपका उस समय का फीलिंग्स ज़्यादा आने लगेंगे। जैसे ब्राइटनेस बढ़ रहा है फिर ये देखिए कि उस समय का आपका जो मेमोरी में साइज आ रहा है शेप्स को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, बड़ा बड़ा कर दीजिए। फिर जो साउंड्स आ रहा है उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। जैसे आपने इसको ब्राइटनेस बढ़ा दिया, साइज बढ़ा दिया, साउंड्स बढ़ा दिया, तब आपको क्या होगा उस समय का फीलिंग्स आपको अभी फील होने लगेगा, आपका मन पूरा मतलब खुशी से भर जाएगा। जैसे आप खुशी से भर रहे पूरा डीप लेवल पे जा रहे हैं उसी समय तुरंत आप इसको तीन फिंगर को ऐसे टास्क कीजिए। इसको बोलते हैं थ्री फिंगर टेक्निक, इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन आप अभी इतना ही जान लीजिए कि जैसे आप उस समय पे गया खुशी की मोमेंट पे, जैसे आपने इसको टास्क किया फिर उसको विजुअलाइज करते रहे तो कुछ दिन बाद क्या होगा, आपको उस मेमोरी को रिकॉल करना नहीं होगा। आप हाथ को उंगली को ऐसे टच करेंगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो मेमोरी आ जाएगा, जिसको बोलता है माइंड का ब्रेन का एंकोरिंग। ऑटोमेटिक जैसे माइंड में वो मेमोरी आ जाते हैं तो हम तुरंत खुशी का स्टेट में चले जाते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट में। और डिप्रेशन क्या होता है, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है। और जैसे हम खुशी होता है शांति, ये सब रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। अब जैसे हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं पास्ट के कुछ समय, उसको विजुअलाइज करने के बाद आप तुरंत अपने फ्यूचर पे चले जाइए। मतलब फ्यूचर में एक ऐसा आपका सपना है, आपका ऐसा एक ड्रीम से अब महसूस कीजिए वो ड्रीम्स अभी आपको ऐसी हो रहा है। मान लीजिए कि जैसे आपका एक सपना था कि एक बड़ा सा घर लेने का, अब आप अभी फील कीजिए कि आपने उस घर ले लिया, तो ले लिया तो आपको किस तरह का आपको फीलिंग्स होगा, उस फीलिंग्स को अभी आप शरीर में लेके आइए। आपको वो घर मिल गया मान लीजिए, अब जैसे आपको उस समय खुशी होगा उस खुशी को अभी महसूस कीजिए। अब ऐसे कुछ समय आप उस फीलिंग्स पे चले जाने के बाद आप देखेंगे कि शरीर में पूरा आपका खुशी और आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। उस समय इसमें रहने के बाद आप दोनों हाथ इसे नमस्कार मुद्रा में लगाइए। अब जैसे आप इस मुद्रा में आ जाते हैं मतलब ये होता है कि सरेंडर टू गॉड। अब आप पूरे अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर दीजिए, भगवान को बोलिए दीन बंधु दीन नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मैं अपना सब कुछ भगवान तुमको दे दिया, जो तेरी इच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है, अब आज से मेरा खुद का कोई इच्छा नहीं है, बस मैं सब कुछ तुमको दे दिया। अब लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से एक बार बोलिए दीनो बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब फिर हाथों को ऐसे आपस में रगड़ते हुए उंगलियों को आंखों में ऊपर रखिए और धीरे धीरे उंगली के बीच से आंख खोलिए। बस अब इसको आप कंटिन्यू कीजिए इस क्रिया को। जैसे आपने शरीर को साफ करने के लिए हम नहाते हैं, और डिप्रेशन भी क्या होता है मन का मेद है, तो इसको भी साफ करने के लिए हम इस ज्ञान रूपी गंगा में हमको नहाना है। और दिन में हम जितना भी इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छा होता है। और अगर स्टूडेंट्स पढ़ने से पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है,
आपका मेमोरी लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा, आप इसको करके देखिए, आपको सच में आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको महसूस किया, तो इसीलिए मैं इसको आपके सामने बता रहा हूँ। आप करते रहिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगे। मैं आगे भी आपके सामने ऐसे ही नए नए ज्ञान के बातें लेके आऊँगा। धन्यवाद।